नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज देखिए हमारे घर में क्या हुआ है, सुबह से शाम हो गया है। आज मैं ब्लॉग ही स्टार्ट नहीं की, भूल गई थी कि भाई ब्लॉग भी स्टार्ट करना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो फ्रंट का काम चल रहा था प्लास्टर का, ये इतना हो चुका है, इतना बाकी है, तो ये अभी हो जाएगा शाम तक। तो आज में ये पूरा हो जाएगा ना? पूरा देख लीजिए, करीब से दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए कितना बढ़िया लग रहा देखने में, लग रहा ना एकदम जबरदस्त, लुक बदल गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। अनीता जी भी बदलेगी, मम्मी ने आज साड़ी पहनी है ऐसे हरी भरी, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं भी बदल गई हूँ। और वहाँ पे दादा बैठे हुए हैं, दादा सब देख रहे हैं कौन क्या काम कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सा बोरा कैसे रखना है। मैं आपको एक बार ऊपर से दिखा देती हूँ, ये देखिए कौन कौन पहचान पा रहा है, ये हमारा घर है। और मेरे को खुद पहचान में नहीं आ रहा है, देखिए ये एरिया अभी पहचान में आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है पेंट ऑन। आप लोग बताइएगा कैसा दिख रहा है। दोस्तों आप लोग सजेशन दीजिए कि आगे पेंट कैसे करें, क्योंकि साइड वाला घर वाइट है। तो अब हम सोच रहे हैं क्या करवाएं। आपको कुछ है मम्मी आइडिया? हमारे दोस्त बताएंगे कि मैं कौन सा कलर फ्रंट में करवाऊं। मैं जरा दादा से भी पूछती हूँ कि दादा कौन सा कलर बोल रहे हैं। मैं दादा से पूछ के आती हूँ। हाँ दादा, आगे कौन सा कलर करवाने का आप बता रहे हैं? कुछ कोई रंग सोचा आपने? रेड या ब्लू? पूरा घर रेड, फ्रंट रेड। कैसा लगेगा रेड? ऐसा स्कूल जैसा नहीं लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अरे दादा कोई और सजेशन करिए प्लीज, फिर तो कुछ और सोचते हैं। आप भी पिंक सोच रहे हैं? गोलू पिंक बोल रहा है, दादा रेड बोल रहे हैं, और देखते हैं और कौन कौन सा कलर आता है। अब क्या करें बताइए, शुगर सीमेंट का लगाते हैं जी। घोल बना क्यों डालें लो? हाँ जरिए मार दो जरिए, वो थोड़ी ना दीगा सूख रही तो। घोल बना के डालते हैं कि अगर टूटी तब बुझ ले हम कैमरा में कैद बनी लो, फिर से बुला के फिर से बुला के करवाया जाएगा। ये रहल सब चिन्हा जाई। नहीं संतोष चाचा का तो नंबर है ही, उनको तो पता है ना, जे कोयले बस इन पकड़ाई। तो संतोष चाचा लेके आएंगे ना उनको। तो यहाँ पे देखिए ऐसे काम हो रहा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है ऐसे चलने वलने में। तो मम्मी दादा कह रहे हैं या तो रेड या तो ब्लू। अब दोस्तों का देखिए क्या होता है सजेशन। गोलू बोला है पिंक, आप क्या सोचे हो? हम सात कलर। अरे ये तो सब रेनबो बना देंगे। रेनबो बनाने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों देखिए वहाँ पे हमने गोप्रो आपको दिख रहा होगा हमारा, उससे हमें पूरा फुटेज ले रहे हैं कि कैसे कैसे ये हो रहा है सारा काम, तो वो भी आपको दिखाया जाएगा कहीं ना कहीं तो ज़रूर। तो चलिए मम्मी हमारे लिए कुछ बना रही दिखाने के लिए। तो खाना उधर बन रहा है कोलाई में, आइए दिखाते हैं। और कोलाई में थोड़ा गाना बज रहा है क्योंकि नवरात्रि है, तो नवरात्रि में गाना तो बजना ज़रूरी है। और ललित हमें देखते के साथ संस्कारी। ओ मैंने पानी गिरा दिया, ये देखिए मैंने बोल रही थी कड़ी चलाने के लिए, अगर लग गई तो तेरे को मारूंगी। अभी देखा था भाई शिव धनुष। शिव धनुष मम्मी तो राम जी का था ना वो। तो ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आपके उधर रामायण शुरू हो गई कि नहीं? क्योंकि नवरात्रि में हम क्या करते थे कि हम रामायण देखते थे। हाँ बहुत सारी यादें नवरात्रि के साथ। तो ना लीली इस बार भी देखेंगे, देखते हैं कैसे देखेंगे, अभी कुछ पता नहीं है क्या तरीका है। और यहाँ पे मम्मी हमारे लिए बना रही है कढ़ी और पकौड़े, और वहाँ पे है चावल की सामग्री। लाइफ में क्या हो रहा है बाबू भैया, चेंजिंग आ रही है, दिखाया जाए इधर। हाँ हाँ कहीं अनीता जी की आत्मा तो नहीं घुस गया है। उसको धुआं लग रहा है। तो दोस्तों मैंने ब्रेड और समोसे मंगाए हैं, और देखते हैं अभी गोल्डी लेने गई है, मिलेगा तो लाएगी, क्योंकि यहाँ पे बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो गोल्डी हमारे लिए लेके आई है। हाँ तो बस, तो सबको फटाफट समोसे खिलाए जाए। और ये पर्दा इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ से आती है
ये है जादू। धूप समोसा गोल्डी की तरफ से समोसा। बड़ी मम्मी गोल्डी ले जा रही सभी के लिए। ये जो सामने वाले दादा हैं, ये हमेशा खूब सारा गोबर का उपला जलाते हैं ताकि सारे मच्छर भाग जाएं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, आप माहौल देख सकते हैं कैसा है। आसमान थोड़ा सा पर्पल पिंकिश दिख रहा है और वहीं पे छोटा सा चांद है। गुड मॉर्निंग फैमिली, और कल के व्लॉग में ही आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको दिखा दिया था कि यहाँ पे कितना काम हुआ है, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी कोई आया नहीं है। काम करना जल्दी शुरू होने वाला है। तो सुबह से मम्मी ने बोला है कि हमारे बागीचे में 2 बैंगन हुए हैं, तो मम्मी मेरी बैंगन ले आ, तो मैं आई हुई अपने बगीचे में। आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंधेरा होगा, और कहाँ हुए हैं ये देखना अभी मुझे है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कहाँ है बैंगन। आपको दिखे तो बताना, मैं आपको फ्लिप कर देती। मेरे को तो अभी तक नहीं दिखे बैंगन, शायद दूसरे वाले, क्योंकि इस वाले में तो नहीं है, इधर नहीं दिख रहा है मुझे कहीं भी, शायद उस वाले में है, उसमें चलते हैं। ओह हाँ, दिख गया मेरे को। मैं आप ये देखिए, ये रहे बैंगन, आपको दिख रहे हैं। यहाँ 2 छोटे से पौधा है, मम्मी ने बोला था 2 निकले हैं, बट मम्मी ने बोला है कि एक छोटा है और एक बड़ा है। इसके अंदर फूल भी है, देखिए कितने सुंदर ये वाले फूल। फोकस हो जा। हाँ, तो हम यहाँ से ताज़े बैंगन तोड़ लेते हैं। तो ये इसको यहाँ से तोड़ना होता है, एक उल्टे हाथ से टूट भी नहीं रहा, बट टूट गया। तो ये रहा हमारा बैंगन, तोड़ लेते हैं। तो ये दोनों तैयार, अब हम चलते हैं घर की तरफ। यहाँ सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखिए। अब हम चलते हैं, मम्मी सब्जी बना रही है सुबह सुबह खाने के लिए। तो देखते हैं और क्या क्या हो रहा है और आज क्या क्या होगा, वो सारी अपडेट मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि लक्की ललित अभी है नहीं। आप समझ जाएं, जब भी मैं व्लॉग करती हूँ उसका मतलब कोई नहीं है घर पे, तब मैं व्लॉग करती हूँ, और कभी कभी सबके साथ कर लेती हूँ। तो कुलाई में तो अभी थोड़ी साफ सफाई होगी, अभी आप देख सकते हैं, और देखते हैं अगर आज कुछ शूट होना होगा तो शूट भी होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या काम होगा और कब शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इस साइड अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे होगा प्लास्टर, और दूसरी तरफ पूरा हो चुका है, दूसरी तरफ वाला पूरा हो गया है। और ये सीढ़ी भी हम तोड़वाने की सोच रहे हैं, दादा को उतरने में आने जाने में दिक्कत होती है, तो देखते हैं मिस्त्री जैसा बोलेंगे वैसा होगा। यहाँ पे पापा है सुबह सुबह, वैसा दिखा रहे हैं हमें। और ये रहे हमारे दादा, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए दादा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और यहाँ पे सुबह सुबह सफाई हो गई। दादा कितने बजे सफाई हो गई थी, पापा ने कब कर दी? 6 बजे। मैं सो के उठी हूँ तो मैंने देखा, अरे ये तो पूरा टांड साफ हो गया है, यहाँ पे सामान रखा हुआ था वो सारा साफ। तो आज दादा के रूम में पूरा प्लास्टर होगा। अभी यहाँ पे जो मीटर है इसके लिए इलेक्ट्रीशियन बुलाए गए हैं, लेकिन वो आए नहीं, तो दूसरे इलेक्ट्रीशियन बुलाएंगे। तो ये वाला मीटर यहाँ बाहर की तरफ लगेगा यहाँ पे, और दोनों हम लगवा देंगे। और यहाँ से पूरा आज प्लास्टर होगा, तो दादा का सारा सामान इधर से उधर शिफ्ट करना है। तो ऊपर की सफाई हो चुकी है, बस चौकी हटानी है। टांड मम्मी वो पूछ रहे गीता के लिए, आपके लिए टांड कहाँ लगवाए दादा? हम इधर सोच रहे इस दीवार पे, पतला तख्ता। ठीक है दादा, यहाँ पे अपनी गीता रखते हैं ऐसे, तो मम्मी यहाँ क्या लगेगा सबसे? हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि आपको निकालने में सही रहेगा। एलसीडी इस दीवार पे लगवा देंगे, टीवी इस दीवार पे लगवा देंगे, क्या होगा लगा के आप देखना अपना। और क्या टीवी? हाँ टीवी, बट मैं टीवी हम लोग देखो टीवी करता हूँ, क्यों मैं मना कर रही हूँ? गोलू गोल्डी आपके साथ पूरे दिन देखेंगे, समझ रहे हो, और आपको उनको डांट के भगाना होगा क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं। तो हमारा भी बचपन में ऐसी हुआ था। अरे टीवी के लिए हम बोल रहे थे, तो मैंने बोला टीवी इसलिए नहीं लगाया, गोलू गोल्डी पूरे दिन देखेंगे। एलसीडी लगाने का इधर बनता है ना? हाँ तो एलसीडी इधर लग सकता है, पूरी स्पेस है यहाँ पे, तो पूरा मास्टर बेडरूम जैसा स्पेस है। बट दादो का फिर चौखट, अच्छा फिर दादा टर्न होके देखेंगे लेटे लेटे। अरे बैठ के भी देख सकते हैं, नहीं नहीं बैठ के भी देख सकते हैं, हम तो सारा आराम देखेंगे ना, कि लेट के बैठ के उठ के उड़ के कैसे देख सके। वो वाली स्क्रीन चाहिए एलसीडी के लिए ना, एमआई वाली मंगा करके,
बट वही है ना हमारे गोली गोली देखेंगे तो हम लोग जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे लिए टीवी निकलवा दिया गया था पर आज दादा के लिए दोबारा हम लोग टीवी आज तक नहीं है हमारे घर में। हाँ टीवी नहीं है, मैं फिफ्थ क्लास से टीवी हम मम्मी ने हटवा दिया था घर से क्योंकि मैं बहुत टीवी देखती थी तो टीवी हट गया था। ये लीजिए मम्मी आपका बैंगन। चलो आई मैं अपना दूंगा फटाफट। तो भुजिया बन जाएगा फटाफट। हुआ ललित भाई आप बॉक्स से कोई नहीं दादा तो आलू आलू डालेंगे एक दो है एक दो बैंगन डालेंगे आलू अदौरी नहीं डालेंगे भुजिया बना रहे हैं। हाँ अदौरी बहुत पसंद है दादा इसको। हाँ इधर रहेगा ना दीवार में तो सही से पहले मम्मी ये वो मारेंगे ना जो कहाँ बोल रहे हैं ताला बनाने के लिए दादा दादा बोल रहे हैं इस तरफ वाले पे इस वाले पे बोल खिड़की लगा लीजिए की छोड़ कैसे की बारिश आ जाता अंदर चार ईटा जुड़वा देते और खुला रहने देते मम्मी समझ रहे। अच्छा मम्मी वो ईटे से प्लस प्लस नहीं बना देते ये तो पूरा है ही बट इसको पूरा जुड़वा देंगे मम्मी। हाँ। जुड़वा तो क्या है अगर दादा लाइट रहेगा तो फिर टीवी पे भी लाइट दिखेगा। हाँ, अच्छा हाँ, टीवी फिर चमकेगी। ओए नाखून नहीं खा बकवा नाखून दिखा। हाँ देखो देखो दादा नाखून चेक करो छोटा लग क्यों दिखा रहा है अभी वही खाया है दादा देखे उसको दिखाओ ना सेकंड नाखून खाने का सीख लिया है ये खाला गोलू हमारे दिन के हाँ गोलू भी खूब नाखून खाता है उसको भी डांटते हैं। बच्चा ये बच्चा है बुरा हो गया है। हाँ दादा यदि कोई नहीं रहे तो आप काम पढ़ सकते हैं देख सकते हैं वहाँ पूरा बुक शेल्फ ही बना देंगे दादा किताब ही तो पढ़ते हैं और तो कुछ है नहीं दादा की दवाइयों का फिर साइड में हो जाएगा बनाते हैं। नहीं मम्मी सर पे लगेगा उठेंगे तो सर पे लगेगा नीचे ही रहेगा तो ठीक रहेगा नीचे साइड में यहाँ ही बना देते हैं एक ही वो ना पता नहीं क्या है। और गोल्डी स्कूल की तैयारी पेपर चल रहे हैं ना कौन सा पेपर है आज SSC का है। चलो बढ़िया गुड लक। हाँ गुड लक गुड लक। दादी बुला रही है जाइए आप कितने बजे जाना है 8:30 बजे तो कितने बजे वापस आएगी गोल्डी हा? कितने बजे वापस आएगी 12 बजे चलो और छुट्टी कब से पड़ रही है नवरात्रि की 13 तारीख से पड़ेगी दो दिन की छुट्टी 10-15 दिन की मजा ही आ जाएगा। इसको मिलेगी दादा इसको तो दोस्तों मैं अपना इधर चाय पी रही थी और अपना काम कर रही थी तो मम्मी ने बोला था कि थोड़ा कोलाई से सामान ले आ तो फिर वही डिस्कस होने लग गया कि क्या क्या कहाँ कहाँ होने वाला है तो बस जैसे भी चीज़ें होती जाएंगी अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। और बस मैं अपना चाय ख़त्म करती हूँ तो मैंने चाय पूरी पी नहीं है और देखते हैं अभी और क्या क्या होना है जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलेंगी। मैं आज का व्लॉग एडिट कर रही हूँ अभी 8:30 होने वाले हैं और 10 बजे तक ये ब्लॉग चला जाएगा तो 1-1.5 घंटा तो लगेगा कम से कम।